और विकास सिंह वर्मा की आज सवारी निकल चुकी है शहरी की तरफ। ये पालमपुर में है। तो जो सरदार जी थे वो 1901 में इंडिया में जन्म लिया था उन्होंने, पंजाबी फैमिली में सिख थे, और लेकिन बाद में ये लाहौर चले गए थे। 1947 के पार्टीशन के बाद उनको इंडिया फोर्स किया गया आने के लिए, और फिर वो यहाँ एंड्रेटा वैली है पालमपुर में, यहाँ पे सेटल हुए और यहीं पे उन्होंने अपनी कमाल की पेंटिंग्स बनाई, और जिसकी वजह से एंड्रेटा वैली पालमपुर, जिसे एक स्लीपिंग वैली भी कहा जाता है, दुनिया के नक्शे पे चर्चित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आज मैं हूँ शोभा सिंह जी की आर्ट गैलरी में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें प्रमोट करते हुए। गुरु नानक देव जी की पेंटिंग, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सोनी महिवाल, हीर रांझा, ये पेंटिंग्स न्यूमरस बहुत इतनी खूबसूरत बनाई है। आर्ट गैलरी के अंदर वीडियो लेना मना है, इसलिए मैंने नहीं लिए, बट मैंने इनकी कुछ बुक खरीदी है, उसमें इनके कुछ काम हैं, तो आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हैं। एंड लाइव अगर आपको हिमाचल, आप पालमपुर में आते हो, तो शोभा सिंह जी की आर्ट गैलरी इज़ अ मस्ट विज़िट। 2500 रुपये की टिकट है इनकी, सुबह 10 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है शाम के 7 बजे तक, और आप इनकी अगर कॉपीराइट लेना चाहें पेंटिंग्स के, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, मैं शायद लफ्ज़ों में बयां ना कर सकूं, लेकिन आप ज़रूर यहाँ पे पालमपुर में आइए। एड्री नाटा विलेज है ये, आपको डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट नाम दे दूंगा, शायद मैं स्पेलिंग ठीक से नहीं भूल पा रहा, लेकिन आप ये पालमपुर से 1 घंटे की दूरी पे है, बहुत ही शांत स्लीपी विलेज बोलते हैं इसे, इसलिए इन्होंने इस जगह को चुना अपना आर्ट वर्क बनाने के लिए। चलिए देखते।